हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज रूट वर्ड का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोग तीन पार्ट को डिस्कस कर चुके थे। पहला पार्ट में हम लोग माइसो के बारे में देखे थे, दूसरा पार्ट में पॉली के बारे में देखे थे और तीसरा पार्ट में हम लोग सोम के बारे में देखे थे। तो चलिए दोस्तों, आज का रूट वर्ड का जो पार्ट होगा आज का हमारा होगा बाई, बी आई बाई। इस बाई का मतलब क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। इस बाई का मतलब होता है टू, और टू का मतलब क्या होता है बाबू? टू का मतलब होता है दो, यानी कि एक से ज़्यादा जब होगा तो दो के सेंस में आप बाई का प्रयोग करते हैं। बी आई बाई, बाई का मतलब क्या हो रहा बाबू? टू, यानी कि दो वो होगा। अभी जितना शब्द है इस शब्द का मतलब सबका निकलेगा बाई, यानी कि दो गो। अब एक एक करके सबका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बाई सेंटिनियल, बाई सेंटिनियल, बाई का मतलब क्या हो गया बहु? ये बहु, तो बाई का मतलब हो गया टू, यानी कि दो। जब बात दो चीज का होगा तो आप करते हैं उसको दो। सेंटिनियल का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि सौ साल। हर को एक ऐसा चीज़, एक ऐसा त्यौहार जो हर 200 बार यानी 200 साल के बाद मनाया जाता है। देखिए 100 और 2 तो कितना साल हो गया बहु? 200 साल। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जब कोई 200 साल के बाद उसको रिपीट किया जाता है, या कोई ऐसा एनिवर्सरी जो 200 साल के बाद मनाया जाएगा या जो 200 साल के बाद घटित होगा, उसके लिए शब्द बना बाई सेंटिनियल। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए बाइनियल, जिस भी शब्द के अंत में आई ए एल लग जाए वो शब्द एडजेक्टिव होता है बहु, ध्यान रखना। यहाँ है बाइनियल, बाइनियल, बाई का मतलब क्या हो गया रे बहु? टू, यानी कि दो। जब दो चीज का बात होगा तब बाइनियल। इनियल का मतलब याद रखना, ई डबल एन का मतलब होता है एक साल, यानी कि वन ईयर। यहाँ पर आप वन ईयर लिख सकते हैं, तो एक ईयर और दो ईयर जब क्या हो जाएगा, जो हर कोई ऐसा साल जो दो साल के बाद घटित हो, जो दो साल के बाद होता हो, उसके लिए शब्द बना बाई इनियल। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बाई गैमी, देखिएगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्ड। बाई का मतलब क्या हो गया वो? टू। और गैम का मतलब हम बताए थे, गैम का मतलब होता है मैरिज, यानी कि विवाह, यानी कि शादी। जो दो गो विवाह करता हो, जो दो गो शादी करता हो, जो दो गो मैरिज करता हो, उसके लिए शब्द बना बाई गैमी, यानी कि दो गो विवाह करने वाला। अगला देखते हैं बाई लिंगुअल और बाई लिंगुअलिस्ट। जिस भी शब्द के अंत में आई एस टी लग जाए बहुओ, उस शब्द का मतलब होता है उस काम को करने वाला। आई एस टी लग गया है तो उस काम को करने वाला। और बाइलिंगुअल का मतलब याद रखिएगा, बाई का मतलब होता है बहुओ टू, लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दो भाषा जानता हो। जनरली सब दो भाषा जानता हो, एक हिंदी और एक इंग्लिश। जब कोई चीज़, जब कोई व्यक्ति दो भाषा का प्रयोग करता हो तो उसके लिए शब्द बना बाइलिंगुअलिस्ट। आप लोग किताब खरीदने जाते होंगे तो अभी बड़ा कहते होंगे कि बाइलिंगुअल किताब है, इसका मतलब क्या है रे बहू? उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है और उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें क्या लैंग्वेज है बहू? तो दो लैंग्वेज है। जब दो लैंग्वेज का बात करेगा तो बाइलिंगुअल या बाइलिंगुअलिस्ट एक ही चीज़ होता है। देखिए बाइलोक्विस्ट, बाई का मतलब तो हम बता ही चुके हैं, बाई का मतलब होता है टू। और जिस भी शब्द एल ओ क्यू का मतलब होता है, या तो साउंड से रिलेट कर लीजिए या आप जो चीज़ का प्रयोग बोलने में करते हैं तो उसको, तो बाइलोक्विस्ट का मतलब हो गया जो व्यक्ति दो साउंड का प्रयोग करता है, दो किस्म का आवाज़ निकाल सकता है, उसके लिए शब्द बना बाइलोक्विस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए वो देखते हैं बाइमिलेनियम, बाइमिलेनियल या बाइमिलेनियम एक ही होता है। बाइमिलेनियम, बाई का मतलब हो गया
टू, और मिलेनियम का मतलब होता है 1000, मिलियन का मतलब होता है 1000। जब कोई चीज हर 2000 साल पर होगा तो उसके लिए सब बना बाय मिलेनियम। अगला है बाइगॉट। बाइगॉट का पूछ भी चुका है आपके एग्जाम में, एक मतलब होता है कट्टर, जिसको आप कहते हैं फैनेटिक, यानी कि कट्टर के सेंस में आप लेते हो बाइगॉट। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा रूट वर्ड और है, बहुत ही मोस्टली रिपीटेड होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो चलिए एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो रूट वर्ड नजर आ रहा होगा उस सब में कॉमन नजर आ रहा होगा वाला ओमनी, OMNI, ओमनी। इस ओमनी का सिर्फ मतलब समझ लीजिएगा आप, बाकी आपका सारा वर्ड क्लियर हो जाएगा। इस ओमनी का मतलब समझ लेना है, इस ओमनी का मनी होता है और का मतलब होता है सभी, यानी ये जो वर्ड किसी भी शब्द से पहले अगर ओमनी लगा हुआ नजर आए तो उस शब्द का मतलब होगा और, यानी कि सभी, सब चीज से रिलेट करेगा, यानी सब चीज में निपुणता होगा, सब के बारे में बात करेगा। ओमनी का मतलब होता है और के मतलब होता है सभी, यानी कि टोटल का बात करेगा, इसको आप टोटल भी कह सकते हैं। सभी का मतलब कहीं ना कहीं टोटल भी हो जाता है। अब एक एक करके वर्ड को समझते हैं। देखिए, इस ओमनी का नजर क्या, इस ओमनी का मतलब क्या नजर आया रे बहु, और यानी कि सभी, सभी। अब क्या इस ओमनी पोटेंट का मतलब क्या सभी ही होगा क्या, और भी मीनिंग होगा, तो इसका और भी मीनिंग होगा समझने का प्रयास करते हैं। और लगा हुआ है ओमनी पोटेंट, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बस वहीं से निकल के आया। पोटेंट का मतलब एनर्जी, यानी कि पावर। याद करने का तरीका बताते हैं, इस पोटेंट का मतलब यहाँ पर समझ लेना है पावर, यानी कि कैपेसिटी, ताकत। जिसके पास सब कुछ का ताकत हो उसके लिए शब्द बना वाला क्या ओमनी पोटेंट, जिसको आप सर्वशक्तिमान भी कहते हैं, अलमाइटी भी कहते हैं। जिसके पास हर चीज का ताकत हो उसके लिए शब्द बना ओमनी पोटेंट। ये वर्ड क्लियर हो गया। अब अगला वर्ड देखते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब क्या हुआ बहु, ओमनी का मतलब हुआ ऑल, यानी कि सभी। अब प्रेजेंट का मतलब तो प्रेजेंट होता है, उपस्थित। प्रेजेंट का सिंपल मीनिंग होता है प्रेजेंट, तो जो सब जगह प्रेजेंट हो, जो एवरीवेयर प्रेजेंट हो, सभी जगह प्रेजेंट हो। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तुमको तो कर देगा वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, जो हर एक जगह उपस्थित हो, जो सभी जगह उपस्थित हो उसके लिए शब्द क्या बना बाबा, ओमनी प्रेजेंट। यहां तक क्लियर हो गया, जो सब जगह प्रेजेंट हो। अगला वर्ड है ओमनी सीएंट। देखिएगा ओमनी का मतलब क्या होता है बाबू, और सीएंट में यहाँ पर देखिएगा छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है बाबू, देखो हम मार्क भी कर दिया सीएंट, कहीं ना कहीं वहां साइंस छुपा हुआ है। और साइंस क्या देता है आपको बाबू, तो साइंस नॉलेज देता है। क्या देता है, आप साइंस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, थोड़ा बहुत अंधकार से हटते हैं, इसीलिए कहता है हम साइंस में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब आप ज्ञान में विश्वास रखते हैं, इंद्र उदर की बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। जिसके पास सब कुछ का नॉलेज होगा, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ का नॉलेज हो, इसके अगर वन वन सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछेगा तो लिखेगा वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता हो उसके लिए शब्द बना क्या बना ओमनीसिएंट। अब अगला वर्ड देखते हैं ओमनी भोर और ओमनी भोरा, समझने का प्रयास करिएगा। जिस भी शब्द के अंत में ओ यू एस लग जाए वो शब्द एडजेक्टिव होता है और कोई ज्यादा बात होता नहीं, और ओमनी भोर ये नाउन हो गया बस, और कुछ दोनों का वर्ड सेम है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, बस शब्द काटते हैं। देखिएगा ओमनी का मतलब क्या होता है बाबू, तो अभी हम बताए शब्द क्या होता है और, ओमनी का मतलब और। याद रखिएगा जिस भी शब्द में वी ओ आर लग जाए उस शब्द का मतलब होता है ईट, यानी कि खाना से रिलेट करेगा, खाना से, जो खाना से रिलेट करेगा, वी ओ आर का मतलब होता है ईट।
जो सब कुछ खाए उसके लिए शब्द बना ओमनी भोर या ओमनी भोरस कह सकते हैं। जैसे आप अगर सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, ए टू जेड चीज खाते हैं, तो आपके लिए शब्द बना ओमनीवोरस पर्सन। जैसे कह सकते हैं यू आर अ ओमनीवोरस पर्सन। समझ में आ गया। तो ये चार छोटा सा एग्जांपल था ओमनी का। और एयरफोर्स और नेवी में तो ये बहुतों बार पूछा गया है, आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया। छोटा है मगर वो कहावत है ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही बात है छोटा सा मगर बहुत ही मोस्टली रिपीटेड होता है। तो उम्मीद है बालक यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा इस चैनल के साथ। धन्यवाद।